नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, हम आई गए थे घर, आपने देखा ही था पिछले वीडियो में जो इंदु नीरज की दुनिया पे मैंने अपलोड किया था। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, वीडियो मैंने कल शाम वहां पे अपलोड कर दिया था। तो अंदर की साइड थोड़ी सी सफाई करने के बाद ये बालकनी का जो गेट है वो ओपन किया था, और देखिये बंद बालकनी में कितना गंदा हो गया था, मिट्टी मिट्टी सी हो रही थी। और बीच में एक दिन पहले भी मैंने जब इस साइड सोफे लगे हुए तो तब भी सोफे हटा के तब बालकनी साफ करी थी। और वही ये देखिए, ओपन रहता है तो उसकी साफ सफाई हो जाती है, पर बंद में जाया नहीं जाता, तो मैंने कहा हटा इसे थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी मैं कहा साफ सफाई हो जाएगी। तो झाड़ू वगैरह अपनी सारी लगाने के बाद मुझे अब धोने थे कपड़े, और क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रहे थे, बेडशीट वगैरह भी मैंने उतारी थी, और लाए हुए ही कपड़े बहुत थे जो मैले थे वहां के। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पहले जो लाए हुए कपड़े हैं, जो हमारे मैले हैं, नए कपड़े हैं, उनको ही मैं धोऊंगी आज, क्योंकि वो ही बहुत सारे हो रहे थे, दो बैग भर रहे थे। बाकी के जो निकलेंगे या आज सुबह के टाइम निकाल लेते, हमने नहाए थे जब हम उधर, तो वो वाले हुए या कुछ भी, तो मैंने कहा बाद में देखूंगी, जो अभी हैं दोनों बैग इनको मैं कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी चला दिया है और पानी बिल्कुल बर्फ सा हो रहा मशीन में। तो फिर मैंने बाद में एक बाल्टी रोड पे गर्म पानी लगाया था, वो डालूंगी मशीन में, तब जाके कहीं कपड़े जो है वो साफ होते हैं, नहीं तो ठंडे पानी में झाग भी नहीं उठते। तो देखिए बस यहाँ पे मैं मशीन में डालने लगी। तो जी देखिए, यहाँ पे मैं आ गई थी अपने कपड़े वगैरह चेंज करके, मुझे ये था मैंने कहा वो भी धुल जाएंगे और फिर गिल्ले होंगे, तो मैंने कहा साथ के साथ नए कपड़े हैं, मेरा ये था कि नए कपड़े मैं आज धो दे रही हूँ। और जैसा कि मैंने बताया पानी तो काफी ठंडा था ही, ऊपर टैंक का पानी भी, चलो मशीन में तो गर्म पानी मैंने डाल ही दिया, लेकिन जो वैसे कपड़े थे उनको निचोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। और कपड़े क्या थोड़े हो रहे थे, बल्कि फिर मैंने बाद में जब कपड़े मुझे लगा काफी सारे हो रहे, तो फिर जो मैंने सोफों के कवर या बेडशीट वगैरह उतारी वो तो मैंने साइड में रख दी, मैंने कहा इनको मैं बाद में धोऊंगी। जैकेटें वगैरह भी बहुत सारी हो रही थी, और गर्म कपड़ों का तो ऐसा है कि आप, क्योंकि एक ही जन तीन चार कपड़े आराम से पहनता है, मोटे कपड़े, तो वो भी हो रहे थे। तो मैं कहा चलो भाई, जब काम करना ही करना है, तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से जो है कपड़े धो ले रही हूँ। बीच में कई बार लाइट भी गई, और कई बार बीच में मैं अपने काम भी करने लग जाती हूँ, चलो भाई मशीन में कपड़े डाल दिए तो कुछ और कर लूँ। और देखिए यहाँ पे रात ही मुझे हो गई थी कपड़े धोते धोते, पर मुझे यह था बस कि चलो धो ही लूँ, अगर सुनीता सुबह को आएगी भी तो वो और कपड़े धो लेगी, और क्या बोलते हैं, अब मैं कम से कम ये धो लूँ, अगर वो धोएगी तो। वैसे तो उसने मना ही किया था, और फिर बाद में, बल्कि वो आ भी नहीं रही है अभी, उसकी सास की तबीयत खराब हो रही, तो वो इसलिए आ भी नहीं रही। बाद में उसने बोल दिया था कि दीदी मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। मैंने कहा चलो भाई कोई नहीं, काम तो देखे करने ही है सारे। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह धुलने के बाद जो ये बैग थे इनको भी मैंने वॉश कर दिया है, क्योंकि अब मुझे मतलब कहीं भी देखे कितनी जगह हम गए, और अच्छी गंदी सारी ही जगह में को बैग जो है उस पे व्हीलर पे थे, तो निकलते ही हैं और गंदे थे, सफर में हो रखे थे, तो मैंने कहा इनको भी धो के रख दूं। हालांकि मौसम तो था ही नहीं सूखने का, सुबह के टाइम जो है बहुत घना कोहरा, इतना जितना हमारी साइड आता था, और उस दिन से यहाँ पे रोज धूप निकल रही थी, बस हमारा ही बैर हुआ इसको यहाँ पे आके। तो खैर देखिए, कपड़े वगैरह जो है वो मेरे धुल गए हैं, और अब मैं यहाँ पे लगा दूंगी वाइपर। तो जी कपड़े मैंने धो लिए हैं सारे, और टाइम मैं आपको दिखाऊं 7:30 होने वाले, और जब से लगी रही है देखिए ढेर कितना पड़ा सारे कपड़े का। और जो मैंने कंबल वगैरह उतारे थे ना अभी, मतलब जो बेडशीट उतारी थी, और वो क्या बोलते हैं उसको, सोफों के कवर वगैरह, वो तो रह गए, वो नहीं मैंने धोए। मैंने कहा चलो उन्हें मैं कल को धो दूंगी, अगर सुनीता मान गई भैया हाँ मैं धो लूंगी दीदी कपड़े, तो वो धो लेगी, नहीं तो फिर मैं कल शाम को ही मशीन लगाऊंगी, क्योंकि मुझे शाम को कपड़े धो के ज्यादा सहूलियत लगे। और खाने का भी मुझे इसलिए समझ में कुछ नहीं आ रहा खाना बनाना, क्योंकि जो हमारा सिलेंडर है वो हो रहा है लीक, जब आए तो उसमें से पता नहीं क्या हो रहा कि इसमें से ना स्मेल आ रही है यहाँ से। चाय तो जैसे तैसे करके बना ही ली थी तब, इतनी नहीं आ रही, अब इसको मैं ओपन कर रही तो बहुत ज्यादा आ रही है। और पियो के डैडी को 1 घंटा पहले मैंने फोन कर दिया था, 1 क्या 2-2.5 घंटे पहले, जब मैंने कपड़े ही धोने शुरू करे थे,
मनकप यू के रेडी। हाँ, खाना बनाना और वो देख लो कैसा करना, पर पता नहीं कब तक आएगा। वो रेगुलेटर सा कह रहे थे चेंज करके लाऊंगा, पता नहीं कब तक लाएंगे। और मुझे चाय भी पीनी थी, कपड़े वगैरह मैंने कर लिए हैं चेंज, पैरों में थोड़ी सी ठंड सी लग रही तो मैं बैठूं कंबल में थोड़ी देर, इतना आवेंगे इतना मैं एडिटिंग ही कर लूं और क्या करूं, क्योंकि जब तक वो नहीं आने का तब तक खाना नहीं बनने का। और सुबह का भी देखना, क्योंकि सुबह को बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो भी देखना कि कैसा करना। खैर जी, चलिए देखती हूँ मैं जब पीयू के रेडी आएंगी, फिर उसके बाद देखती हूँ खाने में क्या बनाना। खाने में मैं सोच रही छोंक के खिचड़ी ही बनाऊंगी, पुलाव सा। बाकी इसके डैडी आके बताएंगे, क्योंकि उनका आकर अलग ही राग शुरू हो जा, तो फिर देखूंगी मैं। देखिए यहाँ पे पीयू के डैडी आ गए थे रात को, ये गाड़ी लेके ही आए थे क्योंकि सिलेंडर लेके आना था ना। मुझे लग रहा था, मैंने कहा शायद सिलेंडर के रेगुलेटर में कुछ कमी है, तो बाद में पीयू के डैडी फिर सिलेंडर ही लेके आ गए थे, क्योंकि जो सिलेंडर है वो खाली होने वाला था जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी। तो फिर एक दो सामान इनको और भी लाना था, तो ये फिर गाड़ी ही लेके आ गए थे। और देखिए रात के टाइम ठंड बहुत होती है, तो फिर ये गाड़ी लाए थे। तो यहाँ पे ये सिलेंडर आ गया है नीचे से, और अब इसको मैं लगाऊंगी, और उसके बाद फिर मुझे खाना बनाना था। खाने में मैंने अपना सिंपल रोटी बनाई थी, दूध था, सिंपल रोटी थी और चटनी या अचार वगैरह था तो उनके साथ ही, क्योंकि रात को भी खाना हल्का फुल्का ही हम लोग लेते हैं। तो बस यहाँ पे रेगुलेटर लगाने के बाद फिर मैंने बनाया अपना खाना वगैरह, और जो अपना किचन है उसका सारा काम करके फिर हम लेट। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आज काफी दिनों के बाद हम घर में शूट कर रहे हैं अपने व्लॉग को, और बच्चे जो हैं उठने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि अब तक क्या था 10-15-16 दिन हो गए कि इनकी कोई वो नहीं थी उठने की टाइमिंग। ये देखो घुसी जा रही है और ना, जब चाहे तब उठना था इन्हें, जब चाहे तब सोना था, वो वाला काम चल रहा था। लेकिन यहाँ पे रात ये देखिए ड्रेस अपनी रख के लेटे थे, ये इनकी ड्रेस है, और सुबह इन्हें जाना है, जैसे आज स्कूल जाना है तो सुबह का टाइम है, और मौसम जो है ना बड़ा खतरनाक वाला हो रहा है, और बच्चे उठने का नाम नहीं ले रहे। बच्चों, ए रूही पीहू, पीहू रूही, देख कैसे सिमटी पड़ी दोनों की दोनों। ए गोली बाबू, राधे राधे। नहीं जी, अभी कोई नींद में वो चल रही क्या ना, गांव में कह रहे हैं कि जून नहीं चल रही बिल्कुल भी। और मौसम आपको दिखा दूं, आज पता नहीं हम ही लेके आए क्या, ये वाली धुंध कह रहे थे कि ठीक है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ना धुंध का पूरा प्रकोप है। ये देखो दूर दूर तक कहीं पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, इतनी ज्यादा धुंध है आज, बहुत ही ज्यादा। तो मौसम यहाँ पे बिल्कुल अलग है आज ना, नहीं तो यहाँ पे तो जल्दी धूप निकल जाती है। और कल इंदु ने आके सबसे पहले मशीन लगाई थी अपनी, जो ये देखिए यहाँ पे बैग वगैरह भी सारे धो दिए थे, ये बैग है, इधर सॉक्स भी, ये सॉक्स हैं, कितनी सॉक्स इकट्ठी कर रखी बच्चों के इसमें इतने काम होते हैं जिनकी कुछ हद नहीं है। हेलो रूही, पीहू, पीहू उठो बेटा, उठो, राधे राधे बाबू, राधे राधे, उठ जाओ ना, ठीक है। देख बाहर कितनी धुंध हो रही, देखो एक बार, चलो उठो फटाफट, ब्रश वगैरह करो, ठीक है। कृष्णा की भी ऑनलाइन क्लास है, तुम्हें तो स्कूल जाना, गाड़ी आएगी थोड़ी देर में, चलो। तो जी, बच्चों को तो मैंने धीरे धीरे लाड़ प्यार से उठा दिए हैं, और इधर लगी हुई है इंदु अपने कामों में। बच्चों के लिए बन रहा है यहाँ पे आलू का, क्या बनेगा भाई? पराठे, आलू पराठे बहुत दिन हो रही है ना आलू पराठे खाए हुए। और आज ना मौसम इतना ठंडा हो रहा है जिसकी कुछ हद नहीं, पानी भी ऐसा लग रहा होगा आज तो वाकई में ही है ना, हाथों बनेंगे आलू के पराठे, और बच्चों को भेजेंगे सबसे पहले स्कूल। स्कूल भेजने के बाद इन दोनों करना है अपना जो भी काम, काम क्या करना, ऑनलाइन क्लास है, अच्छा सुनीता की छुट्टी होगी क्या? पहले तो फिर बाद में, दीदी मेरा काम है कुछ, मतलब कर ले भाई काम अपने, और क्या
चलो तो करना ही है काम, काम तो नहीं रुक सकता। बिल्कुल मैं नहाया हूँ पहले, नहाया फटाफट पानी गर्म हो रहा। हाँ मैंने लगा दिया था, फिर आकर बनाऊंगी पराठे, तब तक बच्चे भी तैयार हो जाएंगे। ठीक। तो जी बच्चों को तैयार करके नाश्ता वगैरह करके मैं जा रही हूँ छोड़ने के लिए, और कोहरा इतना है ना बहुत ज्यादा, तो ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है। मैंने बोला भी था बेटे कुछ ऊपर जैकेट वगैरह डाल लो ठंड लगेगी नहीं तो। और ये देखो दूर दूर तक कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और वो भी शुक्र है गाड़ी वाली दीदी का फोन आ गया था पहले ही, क्योंकि कोहरे की वजह से वो थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं ना, तो इस वजह से है। और ऐसे ही आ गई हम, क्योंकि 7:15 का टाइमिंग था, टाइम था, और गाड़ी जो है वो आ गई है पहले। मुझे लग रहा गाड़ी ही खड़ी बैठे, वो जो लाइटें जल रही है। चलो फिर। तो जी बच्चों को बिठा दिया मैंने, बस खड़ी है अभी, क्योंकि और बच्चों को भी आज वो कह रहे थे कि उनकी जो बस है वो पहले ही धरी आ गई, दूसरे रूट से नहीं आई। और मौसम का हालचाल मैं आपको दिखाऊं, बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि ऐसा हो रहा जैसे धुएं में गुम, टीवी में नहीं दिखाते कि वो धुआं सा आता है एकदम से और उसमें गुम हो जाते हैं, वो दिखते ही नहीं, फिर वैसे वाला हो रहा। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, वो देखो सामने ऐसा हो रहा जैसे जो भी आ रहा वहां से निकल के आ रहा धुएं से और धुएं में गुम हो रहा, ये वाला हाल हो रहा। और ये ऐसे हो रहा जैसे हमारे वहां घर था ना, जब हम घर थे तो वहां पे ऐसा कोहरा आता था। और वो सामने सुरंग है, वो जो मूवीज वाली है ना, वो वाली कि सामने से धुएं में से निकल के आएगा, धुएं में गायब हो जाएगा। खैर चलिए घर चलते हैं, कृष्णा भी नहा धो लेता है, उसकी भी ऑनलाइन क्लास है। और बस नाश्ता बनाऊंगी मैं, बाकी फिर अपने काम करूंगी, फिर कृष्णा की क्लास करानी है। तो जी मैं घर आ गई और पीयू के डैडी भी नहा धो लिए, टाइम 9:15 बज गए हैं और 9:40 पे कृष्णा की है ऑनलाइन क्लासेज। तो अभी पीयू के डैडी पहले लगाएंगे दिया, क्योंकि कान्हा जी को तो नहला दिया था, पीयू और रूही नहला के चली गई हैं, कान्हा जी को दिया रह गया और पीयू के डैडी लगाएंगे। जब तक ये दिया वगैरह लगाएंगे तब तक मैं सोच रही बिस्तर उठा लूं, क्योंकि 9:40 पे कृष्णा की क्लास है, तो उससे पहले मैं सोच रही जितना सिमट जाए सिमट जाए, बिस्तर वगैरह उठा के फिर मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो आटा भी बना रखा है, आलू की स्टफिंग भी बनी रखी है, तो मैं फटाफट से फिर वो कर दूंगी। और आज क्योंकि काफी दिन बाद स्कूल का रूटीन सा हो रहा था, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आज आइडिया सा हो गया। राम आएंगे, वो तो मुझे पता। और मतलब आज थोड़ा सा मुझे आइडिया होगा कि कैसे कैसे लेके चलूं कि काम सारा हो जाए। और कल से मेरी कोशिश रहेगी कि बच्चों के स्कूल जाने तक सिर्फ मेरा किचन का काम रहे। पूरी का भोग लगाएंगे। अजी वो उसमें अभी एक दो दिन का टाइम है, 19 तारीख है आज। आज 19 है, दो दिन तो है। हाँ तो चलिए जी, बस फिर पहले मैं तब तक बिस्तरे वगैरह उठा देती हूँ, उसके बाद फिर जब तक पीयू के डैडी दिया लगाएंगे फिर मैं क्या बोलते हैं उसे नाश्ता बना दूंगी। चलिए जी फटाफट कर देती हूँ मैं।